गाइस इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हीटिंग इफेक्ट या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट पावर, ये सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फिर पहले देखते हैं जो हीटिंग मतलब हीट जो होता है वो कैसे होता है और क्यों होता है। देख लो, अगर ये एक वायर है और मेटल का वायर है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, जब तुम पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, तब क्या होता है, सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर जाते हैं, मतलब हाई पोटेंशियल से लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक करंट मूव करता है, और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर वो तेजी से बढ़ते हैं, और उनके जो स्पीड होता है वो लगभग 10,000 ओके ऐसे नॉर्मल मीटर में होता है 10,000 मीटर पर सेकेंड ओके। अगर इतने तेजी से वो घूम जाते हैं तो फिर इनका काइनेटिक एनर्जी होता है, और क्या होता है, जब ये मतलब इनके इसके अंदर बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉन हैं और बहुत सारे एटॉम्स भी हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जाके किसी को टकराता है, तो फिर वहां पर क्या होगा, कोलिजन होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होने के बाद क्या होगा, हीट एनर्जी जो होगा, हीट जो होगा वो क्रिएट होगा, जनरेट होगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो, बेसिकली होता है जो काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है जब ये कोलिजन होता है तब। ऐसे तुम्हें शायद ये पता होगा, अगर तुम एक वायर ले लो ओके, एक वायर ले लो यहाँ पर एक, और बाहर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लोगे, तो फिर यहाँ पर इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ये मेटल का वायर होगा तब इसके अंदर इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि यहाँ पर चाहे तुम जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, चाहे जितना भी ले लो, यहाँ पर इतना फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इनसाइड में चलेंगे कि इसको पूरा कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर तुम यहाँ पर मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा, माइक्रो सेकंड में जैसे में ये काम हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर जो सिचुएशन होगा तब भी इनके अंदर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी जो होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते होंगे, मतलब उनका वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, बट इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो कुछ ना कुछ उनका होगा ओके। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, अगर सभी का वेलोसिटी देखोगे इंस्टेंटेनियस वो भी जीरो रहेगा, अगर स्पीड देखोगे तो भी वो कुछ अलग अलग आएगा ओके। अब देखते हैं, ये सब छोड़ो, अब आगे देखते हैं जो काइनेटिक, यहाँ पर जो कोलिजन होता है, यहाँ पर क्या होता है, वो इतने कुछ भी स्पीड से वो चलते हैं तो फिर उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है, जब वो कोलिजन होता है तब वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है कुछ एनर्जी हीट एनर्जी को, फिर उनका स्पीड थोड़ा घटके फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं, उनका जो स्पीड कम हो जाता है उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जो स्पीड कम होने के बाद वो एक एवरेज स्पीड में चलते हैं वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके। फिर वो हीटिंग हीट एनर्जी को क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं ये जो हीट एनर्जी है इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए हीट जो है ये क्या है, एक एनर्जी है, और एनर्जी मतलब हम वार्डम भी बोल सकते हैं, और वार्डम इस चैप्टर में एक फॉर्मूला तो था नहीं, जो कि था वार्डम पर यूनिट चार्ज इज इक्वल्स टू वी, तो फिर यहाँ पर जो फॉर्मूला हो गया ये है वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू ओके, वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो फिर हम डब्ल्यू को यहाँ पर लिख सकते हैं वी क्यू। अब तुम क्यू के बदले यहाँ पर आई टी भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो फिर आई टी इज इक्वल्स टू क्यू हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो फिर यहाँ पर Q के बदले तुम यहाँ पर IT लिखोगे, तो फिर हमारे पास पहला फॉर्मूला आ जाएगा W is equals to V and Q के बदले IT, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। अब तुम यहाँ पर एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हो, जो कि है W is equals to जो भी फॉर्मूला है उसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। देखो तुम यहाँ पर भी के बदले भी ओम्स लॉ क्या है, बी इज इक्वल टू आई आर, तो फिर यहाँ पर तुम भी के बदले आई आर भी लिख सकते हो, मान लो यहाँ पर वी आई टी है, तो फिर भी के बदले टी है ओके, ये टी है वी आई टी है, तो फिर तुम भी के बदले यहाँ पर आई आर भी लिख सकते हो आई आर, और फिर आई टी के बदले यहाँ पर आई टी ही लिखोगे ओके, मतलब आई टी के बदले नहीं, आई टी के लिए आई टी ही लिखोगे। और यहाँ पर देखो दो आई हो गया मतलब आई स्क्वायर, और एक आर मतलब आर, और एक टी मतलब टी, तो फिर ये फॉर्मूला बन गया हमारा आई स्क्वायर आर टी, यहाँ पर तुम इसे प्रूव कर लो W is equal to I square RT, ये फॉर्मूला है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ओके। वैसे इसे हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, अब देखते हैं एक और फॉर्मूला जो है W is equal to, अब देखो तुम यहाँ पर
क्या करोगे, आईटी को वैसे मान लो यहाँ पर जो है तुम आई को या फिर ऐसे कुछ भी करके यहाँ पर आई को तुम क्या करोगे, देखो बी इज इक्वल टू आई आर है तो फिर तुम क्या करोगे आई को क्या करोगे बी बाई आर करोगे तो फिर क्या होगा यहाँ पर बी आई टी के जगह पर आई के जगह पर तुम बी आर पुट करोगे तो फिर क्या होगा बी इंटू बी बाई आर इंटू टी तो फिर ये क्या होगा बी स्क्वायर टी बाई आर तो फिर इसको यहाँ पर पुट कर लो बी स्क्वायर टी बाई आर ओके ये तीन फॉर्मूला हो गया तुम्हारा हीटिंग का मतलब हीट का ओके. अब देखो ये जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पर तुम ये भी बोल सकते हो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के साथ ओके. अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर रेजिस्टर का वैल्यू बढ़ता है तो फिर जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ेगा. देखो ये सिंपली क्या है कोलिजन है और कोलिजन ही तो रेजिस्टर होता है मतलब रेजिस्टेंस होता है इसके वजह से रेजिस्टेंस होता है और इसके वजह से ही हीटिंग भी होता है. अगर ज्यादा करंट होगा तो फिर ज्यादा करंट मतलब क्या है करंट मतलब ज्यादा हाँ स्पीड से जो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ज्यादा कूलम से चार्ज पर सेकंड फ्लो कर रहे हैं यही तो होता है हमारा करंट. तो फिर अगर ज्यादा तेजी से वो मूव कर रहे हैं तो फिर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो फिर ज्यादा हीट एनर्जी भी होगा. ठीक वैसे ही हेड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है एंड हेड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर भी होता है एंड हेड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम भी होता है. ये तीन होता है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में. अब हम ये देखते हैं कि जो जूल्स लॉ है इसको हम यूज करके कैसे हम इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते हैं या फिर फ्यूज बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक आयरन बनाते हैं ओके. तो फिर पहले देखते हैं बल्ब ओके पहले देखते हैं बल्ब आखिर बल्ब का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है. तुम पहले इसे देखो जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और आर क्या होता है आर होता है रो ओके रो इंटू लेंथ बाई एरिया मतलब आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के साथ और आर जो होता है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ एंड जो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ. तो फिर हमें क्या करना है हीटिंग को बढ़ाने के लिए आर को बढ़ाना पड़ेगा और आर को बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा. हम देखते हैं मतलब जो कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट ऐसा जो होता है वो ज्यादातर मेटल या फिर एलॉय होता है ओके. नॉन मेटल ऐसा नहीं करते वो नॉन मेटल इंसुलेटर होते हैं और उनका जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो कंडक्शन नहीं करते इसलिए हम उसे यूज नहीं करेंगे. कंडक्शन करते हुए जो एग्जांपल है वो है मेटल या फिर एलॉय ओके ओके एलॉय. अब देखो मेटल का रेजिस्टिविटी कम है एलॉय से इसलिए हम हीटिंग इफेक्ट के लिए एलॉय को ज्यादा यूज करते हैं ओके. एलॉय को हम ज्यादा यूज करते हैं तो फिर यहाँ पर रो के लिए हमने मतलब रेजिस्टिविटी ज्यादा रखने के लिए हमने एलो को यूज किया. अब लेंथ हमें ज्यादा करना है और साथ में एरिया जो है उसे कम करना है मतलब बहुत ही थिन लेना है और अगर लेंथ को ज्यादा करेंगे तो फिर हमारा मतलब जो भी एप्लीकेशन होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा यार. इसलिए वो क्या करते हैं उसे थिन है मतलब बहुत पतला है और बहुत लंबा है तो फिर इसके लिए ये क्या करते हैं ऐसे ऐसे कॉइल 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 करके रख लेते हैं. अब इसका जो लेंथ है ये इतना हो जाएगा इतना तो नहीं होगा अब तो हो जाएगा ओके. ऐसा होते हैं मतलब उसको बहुत कॉइल कर देते हैं. अब देखो जो बल्ब है वहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है. अब देखो बल्ब में एक फिलामेंट होता है और जो फिलामेंट होता है वो होता है टंगस्टन का ओके. ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का है और ये जो है ना ये बहुत ही पतला है मतलब बहुत ही थीन होता है और इसका लेंथ बहुत ज्यादा होता है और इसे बहुत ही कॉइल कॉइल करके रखते हैं ओके. कॉइल्ड होता है लेंथ ज्यादा होता है. अब देखो वो कैसे वार करता है. अब ये दोनों से आपको क्या पता चल गया कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है और रेजिस्टेंस ज्यादा है और टाइम हम जितना उसे जलाएंगे वो टाइम वैसे ही बढ़ेगा और आई स्क्वायर जो है हम जितना करंट प्रोवाइड करेंगे वो इतना ही मतलब उतना ज्यादा आई होगा. तो फिर हमें चेंज जो करना है वो हमें बस आर को चेंज करना है और आर को हमने इस तरफ बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है ओके. तो फिर यहाँ पर जो है आर भी ज्यादा है आई भी ज्यादा है एंड हम टी को हम जितना चाहे हम उतना ले सकते हैं. अगर हमने टी को भी ज्यादा ले लिया तब क्या होगा ये तीनों मतलब बहुत ज्यादा हो जाएंगे जिसका वजह से जो हीटिंग जो होता है हीट जो होता है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा
अगर मान लो हीट जो है वो बहुत ज्यादा हो गया तो फिर क्या होगा, वहां पर हीट एनर्जी क्रिएट होगा ओके, और ये हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लाइट एनर्जी से और जो बल्ब है हमारा वो ग्लो करना स्टार्ट करेगा ओके। वैसे तुम्हें एक डाउट आया होगा शायद, वो क्या है मतलब ये जो है इतना हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कि वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और हमें बहुत सारा लाइटनिंग भी मिला है। वैसे मैं एलईडी लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो 100 वाट का जो बल्ब होता है वैसे, या फिर जो नॉर्मली बल्ब होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ ओके। तो भी आपको ये डाउट है कि ये मेल्ट भी हो सकता है इतना ज्यादा, लेकिन इसका जो इसलिए हम इसे यूज करते हैं टंगस्टन को, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ओके, इसीलिए हम टंगस्टन को यूज करते हैं। अब तो ये देखिए, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं जो कि है फ्यूज। आखिर जो फ्यूज है ये कैसे हम यूज करते हैं घर में। मान लो घर में तुम्हारे घर में एसी लगा है, टीवी लगा है, ऐसे मतलब बहुत सारे कीमती चीजें लगा हुई है, तो फिर देखो और सभी एक ही पोटेंशियल से कनेक्टेड होते हैं ओके, एक ही पोटेंशियल एनर्जी जो है वहां से कनेक्टेड होते हैं। तो फिर अगर मान लो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ज्यादा वोल्टेज आ गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ वोल्टेज आ गया, तब क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज तुम्हारे पूरा घर के अंदर जाने वाला है ओके। ज्यादा वोल्टेज हो गया तो फिर ज्यादा करंट भी होगा और पूरा करंट तुम्हारे घर में जाने वाला है ओके। वोल्टेज ज्यादा है तो भी करंट ज्यादा होगा और तुम्हारे घर में जो भी होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है, मतलब सभी में करंट सेम जाने वाला है। अगर सभी में करंट ज्यादा जाएगा तो फिर क्या होगा, तुम्हारे वो नष्ट हो सकते हैं, मतलब कुछ भी उनमें डैमेज आ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी जो प्राइमरी कॉइल या जो पहले से जो वायर लगा हुआ था है, और मान लो ये तुम्हारा एसी है, फिर एसी के बाद ऐसे जाके तुम्हारा फैन, टीवी और कंप्यूटर, ऐसे बहुत सारी चीजों से लगा हुआ है ओके। फिर ये आ रहा है यहां पर, तो फिर यहां पर पहले क्या होगा, यहां से एक फ्यूज को लगा लेते हैं ओके। ये फ्यूज होगा और इसके अंदर ऐसा वायर होगा जो ये स्विच की तरह काम करता है, मतलब अगर नॉर्मल करंट आ रहा है, नॉर्मल वोल्टेज सप्लाई है, तो फिर ये क्या करेगा, नॉर्मल वायर की तरह काम करेगा। अगर मान लो कुछ सेकंड के लिए जब ज्यादा वोल्टेज आ गया, इसकी वजह से ज्यादा करंट इंड्यूस हो गया, तब क्या होगा, मतलब ज्यादा करंट हो गया, V = I²RT। तो फिर आई अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, हीट जो है वो भी ज्यादा होगा। अगर ज्यादा हीट होगा तब क्या होगा, ये जो वायर ऐसे मेटेरियल से बना होगा कि जो ज्यादा हीट आने पर ये मेल्ट हो जाएगा, और अगर ये मेल्ट हो गया तो क्या होगा, सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा ओके। सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जिसके वजह से और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्जेस का फ्लो है वो यहाँ तक, मतलब तुम्हारे सभी घरों का सभी एप्लीकेशन के पास नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक होगा और ये तुम्हारे डैमेज होने से बच जाएंगे। इस तरह हमें फ्यूज को यूज करते हैं। अब देखते हैं लास्ट वन, फिर हम देखेंगे पावर के बारे में। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वो कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वहां पर ना तीन लेयर होते हैं ओके। ये तुम्हारा जो फाइनल लेयर, मतलब जिससे तुम्हें कपड़े को प्रेस करते हो, ये तुम्हारा फाइनल लेयर होता है। और बीच में क्या होता है, बीच में होता है माइका, और ये पहले में जो होता है ना ये बहुत ही थीन होता है, पहला पर ये बहुत ही थीन होता है, और क्या होता है इसका लेंथ जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये पूरा कॉइल कॉइल होके रहता है ओके। ये कॉइल कॉइल होके रहता है और ये बहुत ही थीन होता है, और ये बनता है नाइक्रोम से। येलो है, एक एलो है, और इसका जो रेजिस्टिविटी है वो भी ज्यादा है, रेजिस्टिविटी ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है, कॉइल्ड होके है, एंड जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है या फिर जो एरिया है वो बहुत ही कम है। मतलब ये तीनों किसको शो कर रहे हैं, तीनों शो कर रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो होने वाला है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। तो फिर हमें पहली बात पता चल गया कि हम इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, और हम जितना करंट फ्लो करेंगे और जितना टाइम तक उसे यूज करेंगे, और इन तीनों से हमें इसका हीट के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर हमने रेजिस्टेंस को ज्यादा लिया है तो फिर यहाँ पर हीट जो है वो भी ज्यादा ही हमें मिलने वाला है, और हमें यहाँ पर ज्यादा हीट मिल गया। और ये एलॉय है, और ये क्या करता है, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, और इसलिए मेल्ट तो नहीं होने वाला है,
यहाँ से हीट जो है यहाँ तक ट्रांसफर होके आएगा, फिर यहाँ से हीट यहाँ तक आएगा एंड यहाँ से तुम्हारे प्रेस जो है वो आयरन हो जाएंगे, मतलब कपड़े जो है वो आयरन हो जाएंगे, प्रेस हो जाएंगे। बट देखो ये एक एलॉय है एंड यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो रहा है। अब देखो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो फिर तुम्हें भी तो सॉफ्ट लगेगा ना, इसीलिए हम क्या करते हैं बीच में माइका यूज करते हैं। ये एक मिनरल होता है, माइका इज ए मिनरल, और ये क्या करता है, ये है ना गुड कंडक्टर होता है हीट का एंड इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर यहां पर क्या हो रहा है, हीट जो है वो तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब ये कंडक्शन नहीं करता है। ये एक मिनरल होता है और ये जो है ये सिर्फ हीट को ही ट्रांसफॉर्म करता है इस बॉडी तक, और तुम्हारे पास जो हीट आ जाता है और तुम प्रेस कर लेते हो कपड़े को, और यहां तक जो भी है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं आता है, जिसकी वजह से तुम्हें शॉक नहीं लगता है। अब इतने में हमारा हीटिंग इफेक्ट और उसके प्रिंसिपल पर हो गया। अब देखते हैं हम थोड़ा पावर के बारे में, पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। ओके, मतलब पावर जो होता है वो होता है एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन, या फिर वर्क डन पर टाइम टेकन। एक सेकेंड में कितना वर्क डन हो रहा है वही होता है पावर। अब देखो हमें एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी एनर्जी की बात की जा रही है, हीटिंग एनर्जी। ओके, तो फिर हीटिंग एनर्जी का तीन फॉर्मूला हमें पता चल चुका है, जो कि VIT और एक है जो जूल्स लॉ है। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वो है I²RT, और एक और क्या है V²T/R। अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ये हमारा एनर्जी है और इसके अपन अगर हम टाइम कर लेंगे तो फिर हमें पावर मिल जाएगा, सेम यहां पर भी बाय टाइम एंड सेम यहां पर भी बाय टाइम। अब देखो यहां पर हमें क्या मिलता है, VIT/T विच इज इक्वल टू VI, पावर का एक फॉर्मूला हो गया। अब एक और फॉर्मूला क्या होगा, एंड TNT cot और हमें मिला फाइनली I²R। अब यहां पर देखो V²T/R × 1/T। अब यहां पर भी टी से टी कट और हमें मिलेगा लास्ट को फाइनल आंसर V²R। तीन फॉर्मूला हमारा पावर का भी हो गया। अब पावर का यूनिट के बारे में जरा देख लेते हैं, पावर का यूनिट होता है वाट। जैसे एनर्जी का मतलब ये जो हीट था उसका यूनिट होता है जूल, वैसे इसका यूनिट होता है वाट। वैसे इसका और भी मतलब बड़े बड़े यूनिट्स है, जैसे एक हो गया किलोवाट, एक किलोवाट मतलब 1000 वाट, और एक है हॉर्स पावर, मतलब ये होता है 746 वाट। ओके, ये दोनों हो गए इसका बड़े 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 यूनिट। वैसे एक कॉमर्शियल यूनिट है जो कि हमारे घर में भी अगर जो इलेक्ट्रीमैन आता है वो हमें कितना यूनिट हमें बोल के चला जाता है। ओके, बोलते हैं कि तुम्हारा एक महीने में मान लो 115 यूनिट या फिर कितना आता है मुझे तो पता नहीं है, बस ऐसे बोल के वो चला जाता है ना। तो फिर वो क्या होता है, वो होता है 1 kWh। अब देखो ये क्या है, 1 joule/1 second, हाँ तो ये है 1 watt। ओके, 1 joule/1 second मतलब 1 watt होता है, 1 watt होता है what watt। ओके, तो फिर 1 joule क्या होगा, 1 joule होगा 1 watt × 1 second, तो फिर ये होगा 1 watt second। 1 watt second is equal to 1 joule, फिर 1 watt hour मतलब 1 watt × 1 hour मतलब 3600 second, 3600 second मतलब 3600 watt second। और हमने यहां पर क्या देखा था, वाट सेकंड मतलब 1 joule, 1 watt second is equal to 1 joule, तो फिर यहां पर मैं वाट सेकंड के बदले जूल भी लिख सकता हूं, जूल। ओके, तो फिर हमारे पास क्या आ गया, 1 watt second is equal to 3600 joule। ठीक वैसे ही 1 kWh के लिए हमें निकालना पड़ेगा ये कितना जूल है। देखो किलो वन के लिए बस 1 लिखो, किलो वाट के लिए 1000 लिखो एंड आवर के लिए 3600,
3600 मल्टीप्लाई करते हो तो फिर हमें क्या मिलेगा 3600 इंटू 1000 मतलब 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, या फिर हम इसे लिखते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये होता है हमारा कमर्शियल यूनिट और इसे हम एक यूनिट भी बोलते हैं, इट इज नोन एज वन यूनिट। तो फिर इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अब हमारा जो पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी ये खत्म हो चुका है। वैसे अभी मैं 61 में ये चैप्टर खत्म करूंगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाएंगे। 61 का वीडियो को जरूर देखना, ओके, चाहे ये एक्स्ट्रा करके देखो या ना देखो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।